कहानी का टाइटल है बारिश। सो बारिश हर किसी के लिए एक हसीन लम्हा होता है, लेकिन मेरे लिए कुछ अलग है। मुझे तो बारिश उन बीते लम्हों की याद दिलाती है। तो हुआ यूं था, बात कुछ साल पुरानी है, मुझे तो डेट भी अच्छे से याद है। वो डेट थी 1 नवंबर 2013। तो जिंदगी बहुत सही चल रही थी क्योंकि मैं सिंगल था। फिर एक दिन ऐसी मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था कि अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। तो मैं बारिश से बचने के लिए एक टीन के शेड के नीचे आ गया और सामने देखा तो एक लड़की भी मेरे शेड के नीचे आ रही थी, जिसे देख के मेरे दिल में घंटी बजी और सॉन्ग आया, भीगी सी भागी सी मेरे बाजू में समा है, भीगी सी भागी सी मेरे कोई प्रेम धुन सुना है। और इसी फीलिंग के साथ मैं उसे देखने लगा, लेकिन वो जैसी मेरे पास आई और उसने कहा, भैया रुमाल है क्या? ये सुन के मेरी सारी खुशी दुख में बदल गई और मैंने बहुत सैड होके कहा कि हाँ है ना, और मैंने उसे रुमाल दे दिया। बारिश बहुत तेज हो रही थी, लग रहा था रुकेगी नहीं, तो मैंने ऐसी टाइम पास के लिए उससे बात करने के लिए खुद में ही बड़बड़ाया कि लगता है आज बारिश रुकेगी नहीं, और मेरा तीर निशाने में भी लगा। उसने भी सामने से कहा, हाँ मुझे भी यही लगता है मेरा कॉलेज छूट जाएगा। फिर मैंने उससे कहा कि तुम स्टडी में क्या कर रही हो, तो उसने कहा BCA थर्ड ईयर। और इत्तेफाक की बात ये थी कि मैं भी उस टाइम BCA थर्ड ईयर में ही था। और फिर मैंने उससे कहा कि जब हम सेम ही एज के हैं, सेम ही कोर्स कर रहे हैं, तो तुमने मुझे भैया क्यों कहा? तो उसने थोड़ा सा हंसी और कही, अरे सॉरी मुझे पता नहीं था। फिर मैंने उससे अपने एक सब्जेक्ट के नोट्स के बारे में पूछा जो कि उसके पास थे, तो मैंने उसे कहा कि क्या तुम मुझे वो नोट्स दे सकती हो? उसने कहा यार श्योर। तो उसने कहा लेकिन बट दू कैसे? तो मैंने कहा कि तुम मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो और मुझे इसमें शेयर कर देना। तो मैंने उसे व्हाट्सएप नंबर दिया और फिर थोड़ी देर बाद बारिश रुकी और हम दोनों घर चले आए। और घर आते ही मैं उसके मैसेज का बेसब्री से इंतजार कर रहा था क्योंकि अब उसका नंबर मेरे पास खुद चल के आने वाला था। फिर ठीक 10:30 बजे उसका मैसेज आया जिसमें नोट्स थे, और वहीं से हमारी बातें स्टार्ट हुई और धीरे धीरे मुलाकातें भी। अब मैंने उसकी कोचिंग भी ज्वाइन कर ली थी, अब हमारी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी, अब हमारी नज़दीकियों में वो गहराई आने लगी थी। फिर एक दिन फाइनली मैंने उसे प्रपोज करने की सोचा। तो उस दिन रात के 3 बजे जब वो सो गई थी तो मैंने उसे मैसेज किया कि आई थिंक दैट आई फॉल इन लव विथ यू, आई लव यू। बट मैंने अपने मैसेज में ये भी कहा कि अगर तुम्हारी तरफ से ऐसा कुछ ना हो तो इससे मेरी फ्रेंडशिप में कोई असर ना आए, मैं एक दोस्त की तरह भी तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। और मैंने कहा कि आई प्रोमिस डेट ये बात मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं कहूँगा। फिर मैं उस रात सोया ही नहीं, उसके उठने का इंतज़ार करने लगा। ठीक 7 बजे उसका मैसेज आया जो था, फाइनली तुमने कह ही दिया, मैं कब से इस दिन का वेट कर रही थी, आई लव यू टू। और वहीं से हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ। अब हमारे रिलेशन को 3 साल हो चुके थे, अब हमारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी थी, उसे जॉब लग गई थी बट मुझे नहीं। मैं बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। उसने जॉब लगते ही अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में सब बता दिया, और ये सुन के उसके पेरेंट्स उसे बहुत चिल्लाए क्योंकि उसके पेरेंट्स लव मैरिज के खिलाफ थे और ऊपर से हमारी कास्ट भी अलग थी। फिर उसके पेरेंट्स उसे बहुत मारे भी और उसे घर से निकालने की धमकी भी दिए। फिर उसके पेरेंट्स के लिए लड़का ढूंढने लगे और उन्हें लड़का मिल भी गया, और उन्होंने उसके लाख मना करने के बाद भी उस लड़के से उसकी शादी फिक्स कर दी। उसने मुझे कॉल में ये सब बताया और हम दोनों बहुत रोए। फिर 3 अप्रैल 2017 को उसने मुझे लास्ट गुड बाय बोला और फिर हमारी कभी बात नहीं हुई। लेकिन आज भी जब बारिश होती है तो वो बीते लम्हे मेरे सामने आ जाते हैं और मैं बस यही कहता हूँ कि अब जब फिर से बारिश होगी तेरी याद मुझको आएगी, अब जब फिर से बारिश होगी तेरी याद मुझको आएगी। थैंक यू।